हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्लीपर वंदे भारत ट्रेन तो फिलहाल अभी सुर्खियों में ही रह गई है, लेकिन वंदे मेट्रो ट्रेन जो है फाइनली बनकर तैयार हो चुकी है। और तैयार क्या, वो अब चलने वाली भी है, जिसका इंतज़ार जो है काफ़ी सारे पैसेंजर्स कर रहे थे। और फाइनली जो है ये इंतज़ार अब ख़त्म हुआ, और अब साल महीने की छोड़ दीजिए, बस कुछ ही दिन में जो है इसका शेड्यूल भी जारी होने वाला है और ट्रेन भी चलने वाली है। तो चलिए, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि वंदे मेट्रो ट्रेन कब और किस रूट पर चलने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वंदे मेट्रो ट्रेन जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल गुमली है, और ये जो ट्रेन है ये भोपाल में ही 3 अलग अलग रूटों से चलने वाली है, और जिसके बारे में आगे डिटेल में बात करने वाला हूँ। वैसे बात करें इस ट्रेन की ना, तो ये ट्रेन जो है वो 16 कोच की होने वाली है, जिसमें जो है 80% का जो कोच है वो पैसेंजर्स जो है उसको रिजर्व करा सकेंगे, और बाकी की जो सीटें रहेंगी उसकी टिकट आप IRCTC से या फिर UTS ऐप से बुक कर सकते हैं। अच्छा, इस ट्रेन के बारे में आपको बहुत कुछ और जानने को तो मिलेगा। इसके अलावा जो है मैं आपको बता दूँ कि इसका जो फेयर है वो कितना होने वाला है, क्योंकि इसके फेयर के बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिलने वाला है अभी फ़िलहाल। तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उसका जो स्लीपर क्लास का किराया है, तो इसका भी जो किराया है वो स्लीपर क्लास के बराबर या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है। वैसे इस ट्रेन की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है, और ये जो ट्रेन है वंदे मेट्रो ट्रेन को स्पेशली जो है रेलवे अभी पहले चरण में 200 किलोमीटर की डिस्टेंस में जो रेलवे स्टेशन आते हैं उतनी ही दूरी तक इसको जो है कवर करने वाली है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी रूट की। तो जो पहला रूट है वो है भोपाल से होशंगाबाद इटारसी होकर बैतूल के लिए। इसके अलावा दूसरा रूट है भोपाल से बीना होकर सागर तक, और तीसरा रूट है भोपाल से सीहोर व सुजालपुर तक। और दोस्तों, बात करें इस ट्रेन के शेड्यूल की, तो इसका जो शेड्यूल है वो अगले महीने मतलब 3 जून को जो है जारी किया जाएगा, देन जाकर इसका जो कमर्शियल रन है वो जो है स्टार्ट किया जाएगा, और आम पैसेंजर्स के लिए भी इस ट्रेन को खोल दिया जाएगा। वैसे बात करें वंदे मेट्रो ट्रेन की, तो इसको बेसिकली रेलवे 2 मेजर सिटीज़ के बीच फास्ट कनेक्टिविटी चलाने के लिए इसको चला रहा है, जिसकी दूरी मैक्सिमम 100 से 200 किलोमीटर तक की हो। वैसे वंदे मेट्रो ट्रेन के बारे में और भी कुछ बातें आपसे करनी है, क्योंकि इसके पीछे रेलवे का एक मास्टर प्लान चल रहा है जो कि धीरे धीरे जो है आपके सामने आएगा, जिसके बारे में हम फिर कभी एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो दोस्तों, आपको सिर्फ एक यही अपडेट देनी थी कि फाइनली वंदे मेट्रो ट्रेन जो है वो इंडिया में जो है वो मध्य प्रदेश के 3 रूट पर फाइनली जो है पहली बार चलाई जाएगी। इसके बाद जो कुछ और अदर रूट्स हैं उस पर भी आपको वंदे मेट्रो ट्रेन दिखने वाली है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से अभी आप वंदे भारत ट्रेन को देख रहे हैं, और इसी तरह आपको आगे आने वाले दिनों में वंदे मेट्रो ट्रेन भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, फिलहाल आज के वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आप जल्दी कैसे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।